अगले ओलंपिक्स में मैं हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोट पाना है? ओए हमें नहीं मिलता इंडिया का कोट, कमाना पड़ता है। क्यों हुआ था सुल्तान पर केस? कौन था साबिर बाबा? क्या सुल्तान 2 पर भी मंडरा रहा है खतरा? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति दुबे और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल बॉडीग्रैड स्टूडियोस। हक बहुत बुरी चीज है, अगर किसी पर जताओ तो लोग सर चढ़ जाते हैं और किसी का हक छीन लो तो तलवारें चला देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था सलमान खान की फिल्म सुल्तान को लेकर। आपको बता दें कि सलमान खान को धोखेबाज बताते हुए बिहार के एक शख्स ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामला सलमान खान की फिल्म सुल्तान से जुड़ा था। बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी साबिर अंसारी उर्फ साबिर बाबा के अनुसार सुल्तान की कहानी उनकी जिंदगी की कहानी है। साबिर ने 2010 में सलमान को ये कहानी सुनाई थी और सलमान ने उनकी कहानी पर फिल्म बनाने के बदले उन्हें 20 करोड़ रुपए की रॉयल्टी देने का वादा किया था। आपको ये भी बताते चलें कि साबिर खान के वकील सुधीर कुमार ओझा का कहना है कि 2010 में साबिर ने सलमान को अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई तो उस पर सुपरस्टार ने फिल्म बनाने की बात कही। सलमान ने साबिर को 20 करोड़ रुपए देने की भी बात कही। सलमान ने इस फिल्म पर 2016 में काम किया और ईद पर फिल्म रिलीज भी हो गई। फिल्म की कमाई ने रिकॉर्ड भी तोड़े, लेकिन साबिर को अपने 20 करोड़ का आज भी इंतजार है। साबिर से किया वादा जब सलमान ने नहीं निभाया तो उन्होंने मुजफ्फरपुर के CGM कोर्ट में इसको लेकर 8 जुलाई को केस फाइल किया। CGM रामचंद्र प्रकाश ने इस मामले में जुडिशियल मजिस्ट्रेट SK त्रिपाठी के यहाँ ट्रांसफर कर दिया। SK त्रिपाठी ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 16 जुलाई की तारीख दी थी। उसके बाद तारीख पर तारीख पे तारीख मिली जा रही है। यहाँ तक कि फिल्म का दूसरा पार्ट भी आने को तैयार है, लेकिन पहले पार्ट के साबिर को अभी तक 20 करोड़ नहीं मिले हैं। आपको बता दें कि सलमान खान के साथ फिल्म की अभिनेत्री अनुष्का शर्मा और निर्देशक अली अब्बास सफर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 यानी धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति के विवरण के उत्प्रेरण, 406 यानी आपराधिक विश्वास हनन के लिए सजा, 504 यानी इरादे से जानबूझकर अपमान शांति भंग भड़काने के लिए, 506 आपराधिक धमकी के लिए सजा के तहत केस दर्ज हुआ था। उम्मीद करते हैं ये केस जल्द ही खत्म हो और सुल्तान 2 पर काम शुरू किया जा सके, लेकिन पहली गलती करने के बाद अब मेकर से ये उम्मीद की जानी चाहिए कि ये गलती पार्ट 2 में नहीं दोहराई जाएगी। किसी की निजी जिंदगी को अगर कैमरे में लाया जाएगा तो उसका हक भी उसे दिया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या सलमान और मेकर्स ने साबिर के साथ ठीक किया या साबिर ने लगाया है सलमान पर झूठा इल्जाम? हमें कमेंट में जरूर बताइए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आप खुश रहिए, सेफ रहिए और बने रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज के साथ। नमस्कार।